नमस्कार, स्वागत है आप सबका केवी सम्मेलन हास परिहास उल्लास और विश्वास भरे इस शो में जिसका नाम है केवी सम्मेलन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। या देवि सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये पर्व है नवरात्र का, ये पर्व है शक्ति की उपासना का, ये पर्व है माता की उपासना का, ये पर्व है हमारे चारों तरफ माता के रूप में उपलब्ध जितने भी संबंध हैं, चाहे वो बहन के हों, चाहे माँ के हों, चाहे विद्या के हों, चाहे बुद्धि के हों, चाहे लक्ष्मी के हों, चाहे भक्ति के हों और चाहे शक्ति के हों, उन सबको प्रणाम करने का पर्व है। तो मनाइए इस उल्लास को और आश्वस्त कीजिए प्रकृति को कि पुरुष की भूमिका उसके सहचर और उसके साथी के रूप में है, चाहे वो किसी भी संबंध में हो। अपने चारों तरफ इस संकल्प को बड़ा करें और प्रारंभ करते हैं नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ केवी सम्मेलन। तो केवी सम्मेलन की प्रथा के अनुसार प्रस्तुत हैं कुछ समाचार, जो कि आज तक न्यूज का नंबर वन चैनल है खबरों का, लेकिन समाचार हमारी विशेष चटपटे अचार के साथ। तो पहला समाचार बहुत प्रासंगिक, अभी पिछले दिनों चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी, आप सबने सुना होगा। इसके साथ आचार संहिता लग गई। आचार संहिता मतलब समझते ना, आचार संहिता मतलब अब चुनावी सभाओं में एक दूसरे को केवल रात को 10 बजे तक गाली गुफ्तार की जा सकती है, उसके लिए कोई अलग से समय नहीं। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या आइटम है यार, मतलब, और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोन, इन दोनों को कुछ संस्थाओं की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद वही जिनके पीछे दिग्विजय जी लगा देते हैं, वो दोनों नोबेल पुरस्कार समिति को फोन करके पूछ रहे हैं कि अपना नंबर कब आएगा भाई। एक और खबर यूपी से, शिवपाल यादव चाचा जी, खबर आ रही है कि चाचा जी का चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल हो सकता है। इस पर भतीजे अखिलेश यादव ने बड़े संतुष्ट भाव से कहा कि हमें उनसे कोई खतरा ही नहीं है जी, क्योंकि इतने महंगे पेट्रोल के बिना हमारी साइकिल चल जाएगी, चाचा की मोटरसाइकिल। ये बातचीत सुनकर मायावती जी ने यूपी के गन्ना किसानों से तुरंत संपर्क प्रारंभ कर दिया कि हाथी अपना क्या खाएगा भाई, कमाल है। बीते 8 सालों में एयर इंडिया के लगभग 58 पायलट ऑन ड्यूटी नशे में धुत पाए गए, खबर मैंने पढ़ी। और यह मामला भी तब खुला जब उनमें से एक पायलट ने एक यात्री को पकड़ कर कहा कि चाबी दे आ जा तेरा भाई चला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान, मामा ने ऐलान किया है कि प्रदेश में गौ मंत्रालय का गठन किया जाएगा। मुझे लग रहा है इस बार के चुनाव में दूध का दूध और गोबर का गोबर हो जाएगा। अभी पीछे यह भी खबर आई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चित्रकूट से भगवान राम की वनगमन यात्रा निकाली। उत्तर प्रदेश में जिस तरह गठबंधन की गांठें ढीली पड़ रही हैं, उससे देख के लग रहा है कि 2019 में अगर ठीक से चुनाव नहीं आए तो वनगमन की ही रिहर्सल चल रही होगी। तो यह थी आज की खबरें और केवी सम्मेलन यानी कि कुमार विश्वास सम्मेलन में आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं बर्रे सगीर। बर्रे सगीर जानते हो नहीं जानते? बर्रे सगीर मतलब साउथ एशिया। बर्रे सगीर की एक ऐसी शख्सियत जो 3 तरह के मैदानों में अपना लोहा मनवा चुकी है, यानी कि जो क्रिकेट, सियासत और हर बार गृहस्थी, तीनों ही मैदानों पर लगातार नॉट आउट रहते हैं, यानी कि आप समझ गए। आइए स्वागत करते हैं पाकिस्तान में बिठाए गए नए नए प्रधानमंत्री वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब का। स्वागत है आपका बहुत। आप गले रहने दीजिए, आपके यहाँ लोग जो गले मिलते हैं फिर भारत में उनका सिद्धू हो जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो कप्तान साहब, इस केवी सम्मेलन में हम आपका बहुत वो करते हैं, वही वो इस्तकबाल आपका करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास भाई। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो कप्तान साहब कि इमरान भाई आप आखिरकार सियासत का मैच भी जीत गए। जी देखिए, ये जो उनसे मैच था ये मुझे जीतना था क्योंकि ये मैच अब फिक्स था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन फिक्स था? ना ना, आप मेरा गलत मतलब ना लें। मेरा कहने का ये मतलब है विश्वास भाई कि जिस तरीके से मैंने मेहनत की है इसके अंदर जी, पुरजोर मतलब अपना पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस जोग दिया और मैंने अपनी पूरी मेहनत की, जैसे एक फौजी मेहनत करता उस तरीके की मेहनत की है, तो मैं जो है जी, तो मेरा पीएम बनना एकदम तय था। हाँ, वो लग रहा था हमको कि पहले तय कर दिया गया है। तो आप इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आए और उससे लड़े, आपके यहाँ तो बड़ा मतलब एक तरफ दहशतगर्दों का खौफ है, दूसरी तरफ मिलिट्री का प्रेशर है, आपको इन दोनों से डर नहीं लगता है? भाई देखिए विश्वास भाई, मोहब्बत। अच्छा, किससे? भाई देखिए, हमें इन दोनों से मोहब्बत है। अच्छा। हमें जोनसा इन दोनों से मोहब्बत है। और आपको एक और बात बता दूं कि जो बंदा हाँ, तीन तीन बीवियों के कहर से माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप समझ सकते हैं कि वो बंदा क्या नहीं कर जाएगा। बहुत अच्छा। तो चलिए, अब ये अब चूंकि आप अब वजीर आजम बन गए हैं इमरान साहब, तो आपका डेवलपमेंट के मुद्दे पर आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? मतलब डेवलपमेंट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने एक नारा दिया है, मेक इन पाकिस्तान। ये ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार ये बात सुन रहे हो आप। तो इसमें आप क्या करने वाले हैं? मतलब इसमें हम बहुत सारे बच्चे पैदा करने मतलब मतलब बच्चे कैसे पैदा करेंगे? मतलब आप जरा जुबान का वो हो जाता है हेर फेर। जी, 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 जी। हम इसमें बहुत सारे बच्चे तैयार करने वाले हैं। अच्छा। जो कि घर घर जाके, माशरे के घर घर में जाकर के सबको बताएंगे कि जी डेवलपमेंट क्या चीज होती है। अच्छा। और ना जी, हमारा जो नारा रहेगा वो होगा जी घर घर फरमान घर घर इमरान। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो खुदा मेहरबान तो इमरान पहलवान है। तो भाई साहब, ये आपने मेक इन इंडिया का जो है वो मेक इन पाकिस्तान कर दिया, घर घर मोदी हर हर मोदी का आपने घर घर इमरान फरमान कर दिया, तो ये क्या आप हमारे जो वजीर आजम है मोदी साहब उनकी कोई नकल करना चाह रहे हैं? और नहीं, मैं उनकी नकल नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनसे बेहतर हूँ। तो मतलब ये तो आपने हिंदुस्तान में आके बड़ा खराब दावा किया, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कैसे आप बेहतर हैं। भाई देखिए, आपके जो वजीर आला हैं वो मोदी जी जो हैं वो बाहर जाके विदेशों में जाके अपनी कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं, पर हम तो अपने घर में ही बेच डालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या आप देखें भाई, हमने भैंसे बेच दी, पीएम हाउस की गाड़ियां बेच दी, और गमले बेच दिए। हाँ। और तो और विश्वास भाई, हमने गैरत तक बेच दिया। तो गैरत का तो कुछ मिला भी नहीं होगा आपको? मतलब नहीं, मतलब मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि मैं उनसे बेहतर, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जी कैसे? भाई देखिए, जब ऊंची ऊंची छोड़ने की बात होती है। हाँ। भाई तो वो मुझसे ऊंची तो फेंक नहीं सकते ना। ये बताइए, आपके मुल्क में और नवाज शरीफ साहब के बारे में आपको क्या कहना है? बड़ी मोहब्बत है आपको। नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं आपको अपने क्रिकेटिंग जो एक्सपीरियंस है ना जी, उससे आपको बताना चाहूंगा। कैसे? वो जो बंदा है हाँ, वो बंदा रिटायर्ड हर्ट है। चलिए, वो तो रिटायर्ड हर्ट हो गए, लेकिन वो मरियम नवाज साहिबा वो रनआउट है। और ये आसिफ जरदारी साहब नो बॉल है जी बंदा। ओ
अच्छा एक आपके और किरदार हैं, वो हमारे जैसे एक किरदार आपके हैं, बिलावल भुट्टो। वो बंदा जो उनसे खुद ही हिट विकेट हो गया। और ये परवेज मुशर्रफ साहब डेड बॉल है जी। और एक बड़ा खूबसूरत किरदार आपके यहाँ हमारे बड़े पॉपुलर हैं, वो हिना रब्बानी। क्या बात कर दी आपने, माशाल्लाह वो गुगली हैं जी। कमाल है खासा, कमाल है आपका। अच्छा ये बताइए एक और किरदार आपके मुल्क में, जो आपके मुल्क में दिखता नहीं है लेकिन चलाते आपके मुल्क में, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब। वो बंदा जी थर्ड अंपायर है, और वो भी डकवर्थ लुइस। पता नहीं कौन सा क्या कह दे। तो मुल्क में आपके में इस वक्त आपका खास ध्यान किस चीज पर है? मतलब देखिए जी, हमारे मुल्क में हमारा जो खास ध्यान है वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना, इसको बढ़ाने का। अच्छा, जो देसी होती हैं चीजें, जैसे मतलब कि देसी कट्टा हो गया, देसी फार्म हो गया। अच्छा जी 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 जी, पख्तून हैंड ग्रेनेड जो होते हैं, जो उनसे है पख्तून हैंड ग्रेनेड। हाँ जी, वो सब चीजों का हमारा जो है पूरा। और हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ाएं और बेहतर बनाएं और बेहतर बनाएं। हमारे यहाँ क्राफ्ट पे बड़ा काम है। आप देखें, हम हैंडीक्राफ्ट, पेपर क्राफ्ट वगैरह वगैरह, इन क्राफ्ट पे हमारा ज्यादा जोर है। मीडिया में इन दिनों ये भी खबर आ रही है कि जो आपकी बेगम है नाफिल वक्त है, यानी कि एक्स जो है, हालांकि इनके तो एक्स भी स्क्वायर में है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो आपकी हालिया बेगम हैं, जो इन दिनों पोर्टफोलियो जिनके पास है बेगम का, वो जादू टोना करती हैं, कुछ विचक्राफ्ट करती हैं, आपके पॉलिटिकल कैरियर तक में उन्होंने जादू टोने का इस्तेमाल किया। नहीं, ये बात गलत है, मैं आपको बताऊंगा कि ये नवाज शरीफ और मरियम शरीफ दोनों ने अफवाहें उड़ाई हुई हैं। मैं आपको बताऊंगा जी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं, वो तो मेरे काम में दखल अंदाजी तक नहीं करती हैं, उन्हें तो ये तक नहीं पता कि मैं इस समय कहाँ बैठा हूँ। अल्लाह खैर करे, कौन है ये? ये आप बेहतर बता पाएंगे कौन है? भाई बेगम है हमारी। तो वाह, आप सवालात पूछें जी, आप सवालात पूछें। तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं बेगम साहिबा, थर्ड है ना गिनती। वो हमारे यहाँ कई बार गिनती में गड़बड़ हो जाती है, हम लोग गिन नहीं पाते हैं। तो आप आ गई हैं, तो आपसे कुछ सवाल मैं ये पूछता हूँ कि जो घर के जाति डिसीजन है आपके घर में, वो कौन लेता है? खसब लेते हैं कि आप लेती हैं? हम दोनों जी मिल के लेते हैं इम्पोर्टेंट डिसीजन, ऐसे ही जैसे अभी ले रहे थे। जी, हम दोनों जो है मतलब मिल करके लेते हैं डिसीजन। जैसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो होते हैं। अच्छा। जैसे भाई आप देख लें, घर में कार कौन सी आनी है। अच्छा। टीवी कौन सा आएगा। हाँ। चैनल कौन सा चलेगा। हाँ। वगैरह वगैरह, सब्जी कौन सी आनी है, ये डिसीजन ये लेती हैं। अच्छा। और जो बड़े डिसीजन होते हैं। हाँ। वो जैसे कि भाई जो रशिया है उसका सैटेलाइट कब लॉन्च होगा। ईरान हिंदुस्तान को तेल कब सप्लाई करेगा, कैसे करेगा, वो सारे डिसीजन मेरे होते हैं। अच्छा 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 जी। तो एक मैंने आपका स्टेटमेंट खासा देखा था कि जिसमें आप ये कह रहे थे कि आपने तो शादी से पहले अपनी तीसरी बेगम का चेहरा तक नहीं देखा था। तो बेगम साहिबा ने आपका चेहरा देखा था शादी से पहले? एक मिनट जी। अब बताना जरूरी है? बता जी। वो कह रही है फिटे मुंह देखा हो तो मैं शादी ना करती। हम जानना चाह रहे हैं मुल्क के लोग, हिंदुस्तान के लोग और दुनिया के लोग, तो कभी तो आपके फौज के जनरल साहब, कभी दहशतगर्द और कभी बेगम, मतलब आप बेसिकली चला कौन रहा है मुल्क को इन तीनों में से? विश्वास भाई, आप देखें मेरे को जहां तक जो सा लग रहा है, वो ना चीन चला रहा हमारा। तो
मतलब चीन चला रहा है, जिसका सामान ज्यादा दिन नहीं चलता वो आपकी सरकार चला रहा है, बताइए ना। अच्छा ये बताइए खान साहब कि आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे जी, हम मंगला नहीं लेंगे जी, तो आपने इतने झूठे वादे किए और फिर आपने सब ले लिया, तो अगली बार आप पे कोई भरोसा कैसे करेगा? मतलब भाई देखिए, हमने तो जो कुछ भी सीखा है वो आपसे ही सीखा है। आप देखें कि भाई मुझे पता है कि मैंने झूठ बोला है, अभी मैंने और झूठ बोलने हैं, और तो और आखिर में मैंने ये करना है कि भाई गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई माफ कर दीजिए। तो तुम्हें दिल्ली की गलियों की वो रौनक याद रहती है, हमें लाहौर की गलियों की लज्जत याद आती है। क्या तो मौका है, माहौल है, हम कोशिश करें इंशाल्लाह आमीन, हम तथास्तु भगवान से प्रार्थना करें नवरात्र में माँ से कि सरहद के दोनों पार, रावी के दोनों किनारों पर अमन के फूल खिलें, इधर से शिव बटालवी की सदाएं उस दिशा में पहुंचें और उधर से आते हुए नुसरत फतेह अली खान के माँ मीरा के भजन इस तरफ आए और हम मोहब्बत की एक ऐसी शमा जलाएं जिसमें दोनों मुल्क केवल और केवल उम्मीद के उजाले से नहा जाएं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।